हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ की। तो देखिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को या उसकी एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो दो इम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं, टाइम और स्पेस। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी एल्गोरिथम को एफिशिएंट बनाए रखने के लिए हमें टाइम और स्पेस के बीच में एक ट्रेड ऑफ इस्टेब्लिश करना पड़ता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है। उसको हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि सपोज ए फाइल ऑफ रिकॉर्ड्स कंटेन्स नेम्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स एंड मच एडिशनल इंफॉर्मेशन अमॉन्ग इट्स फील्ड। एक फाइल है जिसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो है नेम के, सोशल सिक्योरिटी नंबर के और एडिशनल इंफॉर्मेशन के। सॉर्टिंग द फाइल अल्फाबेटिकली एंड यूजिंग ए बाइनरी सर्च इज ए वेरी एफिशियंट वे टू फाइंड द रिकॉर्ड फॉर ए गिवन नेम। अगर हम फाइल को अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दें और बाइनरी सर्च को इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर नेम को फाइंड आउट करना चाहें तो ये बहुत ही एफिशियंट तरीका है। लेकिन मान लीजिए कि वी आर गिवन ऑनली द सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑफ द पर्सन, देन वी वुड हैव टू डू ए लीनियर सर्च फॉर द रिकॉर्ड विच इज एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग फॉर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। कि अगर केवल हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, उससे हमें स्टूडेंट्स उसको किसी पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर सर्च करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वन वे इज टू हैव अनदर फाइल विच इज सॉर्टेड न्यूमेरिकली अकॉर्डिंग टू सोशल सिक्योरिटी नंबर। हम क्या करेंगे कि एक और फाइल अपने पास रखेंगे जो सॉर्टेड होगी न्यूमेरिकली अकॉर्डिंग टू सोशल सिक्योरिटी नंबर के हिसाब से सॉर्टेड होगी। दिस हाउएवर वुड डबल द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा। हालांकि इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब डबल हो जाएगा, लेकिन उसमें हमें सॉर्टिंग में आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए, हमने सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक फाइल है, ठीक है, से सपोज कीजिए एक ये फाइल है हमारे पास और इसके अंदर जो डाटा स्टोर्ड है, ठीक है, वो सपोज कीजिए पहले ये सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया और यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए और दे दीजिए एक्स्ट्रा डाटा के लिए, ऐसे ये एक फाइल है। इस तरह से यहाँ पे हो गया, से सपोज कीजिए इसको हमने दे दिया सोशल सिक्योरिटी नंबर, फिर हमने यहाँ पे दे दिया नेम और यहाँ पे और एडिशनल डाटा जो है वो हमने लिख दिया, यहाँ पे है एडिशनल इंफॉर्मेशन या डाटा। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो ये जो मेन फाइल है हमारी, दिस इज द मेन फाइल, और ये सॉर्टेड होगी बाय सोशल सिक्योरिटी नंबर। दिस विल बी सॉर्टेड बाय सोशल सिक्योरिटी नंबर के हिसाब से न्यूमेरिकली ये सॉर्टेड होगी। मतलब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से पहला इसका सिक्योरिटी नंबर से हमने कहा 01344 और 5555 है, इस तरह। फिर उसके बाद हमने कहा, पहला तो ये हो गया, दूसरा हमने कहा कि से 025, फिर हमने कहा 5561 89, 6189 ये हो गया, तीसरा रिकॉर्ड हो गया तो 02773 3961। तो अब देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर बढ़ते जा रहा है। फिर हमने कहा नेक्स्ट है हमारा 174, फिर 62, फिर हमारा 3485, 3485। उसके बाद हमने कहा नेक्स्ट डाटा जो है हमारा, यानी इस तरह ये सॉर्टेड फॉर्म में डाटा सब स्टोर है, 182-74-6308 इस तरह है। मान लीजिए नाम हमने कुछ भी दे दिया, से सपोज कीजिए हमने कहा कि से राहुल दे दिया,
फिर हमने कहा कि मनीष है, फिर हमने कहा आकाश है, फिर हमने कहा रवि है, और फिर हमने कहा कि संजय है। इस तरह से डाटा और बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे इनके बारे में, वो और डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब ये न्यूमेरिकली शॉर्टेड होगा सोशल सिक्योरिटी नंबर पे, तो जो फाइल हमारी ऑक्सिलरी एरे सॉर्टेड अल्फाबेटिकली है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम एक फाइल और ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सपोज कीजिए नाम हो जाएगा और पॉइंटर, यहां पे हमने लिखा पॉइंटर और यहां हमने लिख दिया नाम। ठीक, अब नाम जो है इसमें वो मान लीजिए किसी और, जैसे सपोज कीजिए पहले आकाश लिख दिया हमने, फिर हमने कहा मनीष है, फिर हमने कहा कि संजय है, फिर रवि है, और फिर राहुल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे पॉइंटर की, जैसे अगर यहाँ पे हम नंबर दें इस फाइल में, तो सपोज कीजिए 1 2 3 4 5। ठीक, तो अब आकाश देखिए किस पॉइंटर पे है, 3 पे, तो यहाँ पॉइंटर हो जाएगा 3। मनीष 2 पे, ये हो जाएगा 2। संजय हो जाएगा आपका 5 पे, रवि हो गया 4 पे, और राहुल हो गया 1 पे। तो इस तरह से ये ऑक्सिलरी एरे सॉर्टेड अल्फाबेटिकल फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। अभी जो 3 है ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये आपको, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि ये आकाश। ठीक है, ये देखिए, फिर 2 हो गया मनीष, तो ये हो गया आपका 2, फिर राहुल, तो ये आ गया आपका राहुल, फिर रवि कहाँ पे है, तो रवि हो गया ये आपका 4, और संजय, तो संजय आ गया आपका यहाँ से 5। तो इस तरह आप करेंगे तो क्या होगा कि आपको 2 फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन फायदा क्या होगा कि इसमें रिकॉर्ड्स को सॉर्टिंग करना या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। और जब आसान हो जाएगा मतलब एफिशिएंट हो जाएगा, कम टाइम में आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एज शोन इन द पिक्चर, टू हैव द मेन फाइल सॉर्टेड न्यूमेरिकली बाई सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड टू हैव एन ऑक्सिलरी एरे विद ओनली 2 कॉलम्स। तो ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका ऑक्सिलरी एरे है, दिस इज ऑक्सिलरी एरे। इसमें केवल 2 कॉलम है, एक नाम और एक पॉइंटर। ऑक्सिलरी एरे विद ओनली 2 कॉलम्स, द फर्स्ट कॉलम कंटेनिंग पॉइंटर्स एंड द सेकेंड कॉलम कंटेनिंग एन अल्फाबेटाइज्ड लिस्ट ऑफ नेम्स विच गिव द लोकेशंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स इन द मेन फाइल। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट इज यूज फ्रिक्वेंटली सिंस द एडिशनल स्पेस कंटेनिंग ओनली 2 कॉलम्स इज मिनिमल फॉर द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स। तो इस तरह से आप एक और एडिशनल फाइल क्रिएट करके, थोड़ा स्पेस आपका ज़्यादा लगेगा लेकिन उसमें रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, मतलब कम टाइम में आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो ध्यान देने वाले, इसी को बोलते हैं टाइम और स्पेस ट्रेड ऑफ। अब इसमें जो कुछ चीज़ ध्यान देने वाली है वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि सपोज ए फाइल इज सॉर्टेड न्यूमेरिकली बाय सोशल सिक्योरिटी नंबर एज न्यू रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड इनटू द फाइल, डाटा मस्ट बी कॉन्स्टेंटली मूव टू न्यू लोकेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सॉर्टेड ऑर्डर। मतलब अगर आप कोई, मान लीजिए नया डाटा, आप न्यू डाटा उस फाइल में ऐड कर रहे हैं जो सॉर्टेड फाइल है हमारी, तो आपको उसको तुरंत मूव कराना होगा न्यू लोकेशन पे,
ताकि जो सॉर्टेड ऑर्डर है वो बना रहे हैं। वन सिंपल वे टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ डाटा इज टू हैव द सोशल सिक्योरिटी नंबर सर्व एज द एड्रेस ऑफ ईच रिकॉर्ड। नॉट ओनली वुड देयर बी नो मूवमेंट ऑफ डाटा व्हेन रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड बट देयर वुड बी इंस्टेंट एक्सेस टू एनी रिकॉर्ड। तो एक तरीका उसने बताया कि जो किसी भी रिकॉर्ड का जो एड्रेस है उसको ही आप उसी पे बेस्ड आप सॉर्टिंग कर दीजिए। हाउएवर दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग डाटा वुड रिक्वायर 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब आप इस तरह से स्टोर करेंगे डाटा को तो आपको 1 बिलियन मतलब 10^9 मेमोरी लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी फॉर ओनली हंड्रेड्स और पॉसिबली थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड। तो इसमें आपको इतने स्पेस की जरूरत पड़ेगी 1 बिलियन मेमोरी लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी कुछ हंड्रेड या कुछ थाउजेंड्स रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए। क्लियरली दिस ट्रेड ऑफ ऑफ स्पेस फॉर टाइम इज नॉट वर्थ द एक्सपेंस। तो अगर आप ये ट्रेड ऑफ करेंगे कि आप इतना ज़्यादा स्पेस का इस्तेमाल करेंगे टाइम बचाने के लिए तो ये भी जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो फ्रूटफुल नहीं होगा, दैट इज नॉट सो वर्दी। एन अल्टरनेटिव मेथड इज टू डिफाइन ए फंक्शन एच फ्रॉम द सेट के ऑफ की वैल्यूज दैट इज सोशल सिक्योरिटी नंबर इन टू द सेट एल ऑफ एड्रेसेज ऑफ मेमोरी सेल्स। सच ए फंक्शन एच इज कॉल्ड हैशिंग फंक्शन। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चूंकि स्पेस बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं और इसकी वजह से जो एक्सपेंस आ रहा है वो उतना वर्दी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी मैपिंग टेक्निक यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड हैशिंग फंक्शन। उसको अभी हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, जब हैशिंग फंक्शन का वीडियो लेक्चर हम पढ़ाएंगे आपको उसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हैशिंग फंक्शन क्या होता है और इसकी यूज से कैसे किसी एल्गोरिथम को मोर एफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ इन एल्गोरिथम। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।